सेंटेंस जिसको हम और नेम से भी बुलाते हैं स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव तीनों में से तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो टेक एक्सरसाइज डेली अब यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये बात किसे बोली गई वी डोंट हैव द सब्जेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है टेक एक्सरसाइज डेली तो जिन सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होगा दैट इज अवर इंपेरेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट Nice यानी पे क्या कर रहे हैं हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं और सेंटेंस किससे एंड हो रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क से तो ये कौन सा सेंटेंस होगा आपका ये होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक बात हमेशा याद है इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको ये एक्सक्लेमेटरी मार्क देखने को मिलेगा हाउ आर यू ट्रेवलिंग हेयर अंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क् सो इट सिंपली मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज योर इंटेरोगेटिव सेंटें नेक्स्ट लुक एट द रेनबो अब यहां पर भी क्या है हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है किसे हम ये बात बोल रहे हैं सो दिस इज ऑल्सो योर एम्पेरेटिव सेंट क्स्ट ही कान मेक यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं एक बात बोल रहे हैं नॉर्मल जिसमें आप देख रहे हो कि हमारे पास सब्जेक्ट भी है ही और एक स्टेटमेंट भी बोली जा रही है तो ये कौन सा होगा आप बात करते हैं कि ये पॉजिटिव होगा यानी अफॉर्मेटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा और आपका नेगेटिव होगा बिकॉज इन नेगेटिव सेंटेंसेज हमें हमेशा नॉट देखने को मिलता है तो यहाँ पे कांट मीन्स क्या होता है कैन नॉट अगर कोई आपसे पूछे कि ये एजर्टिव तो है बट एजर्टिव में होगा 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 या फिर negative होगा, तो ये ये कौन सा होगा? होगा, किससे हो रहा क्वेश्चन मार्क्स वी आर आस्किंग क्वेश्चन सो यहाँ पे ये कौन सा होगा दिस इज योर सेंटेंस नेक्स्ट ड्रम सो वेल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं तारीफ कर रहे हैं फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये कौन सा होगा ये होगा हमारा exclamatory sentence. और इस सेंटेंस में आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी जो मैं बार बार बोल रही हूँ एक्सक्लोमेट्री वा सो थैंक यू बॉयज आज के लिए इतना ही काफी है मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल